गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वेलकम टू ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास। क्लास टेंथ हमने चैप्टर नंबर 5 की पिछली वीडियो में 5.2 तक अपना काम कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें स्टूडेंट सारी एक्सरसाइज दो फॉर्मूले पे बेस है, फॉर्मूला नंबर 1 और ये दो फॉर्मूले पे बेस है। फॉर्मूला 1 क्या कहता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इज इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बच्चे पहला फॉर्मूला कब यूज करना है स्टूडेंट्स आपने, जब हमें एपी का अंतिम पद ना दिया हो। दूसरा फॉर्मूला, दूसरे फॉर्मूले में बच्चे एसएन कैसे निकालना है, एन बाई टू प्लस सॉरी एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन या एन बाई टू ए प्लस एल। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब हमें अंतिम पद दिया हो। ए एन ए एन लिख लो या बच्चे ए एन की जगह एल लिख लो, ए की बात है स्टूडेंट्स। ए एन इज इक्वल टू एल हमारे पास क्या होता है, अंतिम पद। इस एस एन को हम बोलते हैं क्या, एस एन को बोलते हैं ए पी के प्रथम एन पदों का योग। एस एन होता है ए पी के प्रथम एन पदों का योग। इसी दो फॉर्मूले के बेस में स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 5.3 करनी है। अब एक्सरसाइज 1 का सम नंबर 1 का हम पहला पार्ट करने लगे हैं, जिसमें कहते हैं निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में हमें एक समांतर श्रेणी दी है, 2 7 12, ये श्रेणी ऐसे चल रही है। इसके कितने पदों तक का योग निकालने के लिए बोला है, 10 पदों तक का, 10 पदों तक का योग निकालो। ठीक है, इसके 10 पदों तक का योग निकालने के लिए हमें बोला है। ये श्रेणी, जैसे ये हमें जो समांतर श्रेणी दी है, मतलब जो हमें एपी दी है 2 7 12, ये चल रही है। मेरे को नहीं पता ये कहाँ पे रुकनी है, मतलब इसका अंतिम पद नहीं दिया, तो मतलब जो मैंने आपको फॉर्मूला नंबर पहला लिखवाया था वो वाला यूज़ करेंगे, जो क्या किसके बराबर होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें कितने पदों तक का योग निकालने के लिए बोला है, 10, मतलब n क्या दिया है मुझे, 10, मतलब s 10 क्या होगा, जहाँ पे n होगा वहाँ पे पुट कर देंगे 10। अब 2 इंटू ए, श्रेणी ए पी है मतलब समांतर है, तो इसका पहला नंबर क्या होता है मेरे पास, a, तो a क्या आ गया, 2, n n की जगह क्या आ जाएगा, 10 माइनस 1 डी, क्योंकि श्रेणी समांतर है तो d कैसे निकल आएगा, श्रेणी का दूसरा नंबर माइनस पहला नंबर, मतलब डी मेरे पास क्या निकल आया, 5। अब कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, 2 10 को 5 पे कट करते हैं, सबसे पहले हमेशा मल्टीप्लाई सॉल्व होती है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 10 में से 1 गए 9 इंटू 5, तो एस 10 5 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5 मतलब 45, 5 मल्टीप्लाई ये बन गया 49, तो इसको करके 49 को हम जब 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 245। तो मतलब इस एपी के प्रथम 10 पदों का योग मेरे पास क्या निकल आया, 245 मेरा क्या निकल आया आंसर। स्टूडेंट सम नंबर 1 के सेकंड थर्ड फोर्थ सेम पार्ट हमने ऐसे ही करना है, ये आपका घर से होमवर्क हुआ। अब हम सम नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, अब हम सम नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसके भी स्टूडेंट्स हमें 10 इसके भी हमें 4 पार्ट दिए, 3 पार्ट दिए हैं, जिसका मैं पहला पार्ट आपको करवाने लगी हूँ, बाकी के 2 आपका घर से होमवर्क है। सेकंड सम में क्या कहते हैं, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, मतलब सेकंड में आपको ये दिया है 7 प्लस 10 इंटू 1 बाई 2 प्लस 14 प्लस सो ऑन प्लस 84, मतलब इन नंबर्स का हमने क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। इसको नंबर 1 मान लो, इसको दूसरा मान लो, ये जैसे तीसरा हुआ, ये चल रही है, आखिरी नंबर ना पता हो तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ए एन, मतलब कि मेरे को अब इस श्रेणी का लास्ट नंबर दिया हुआ है, तो इसके लिए मैं इसका कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, इसका सेकेंड नंबर वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, एन बाई टू ए प्लस ए एन। ठीक है, एस एन, एन की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ए
सीरीज का पहला नंबर ए प्लस ए एन, लास्ट टर्म क्या दिए 84। एस एन क्या बन जाएगा, एन इंटू टू मल्टीप्लाई, इसको प्लस करके मेरे पास आ गया 91। तो 91 जब एन से मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा 91 एन बाई टू। इसको नंबर वन मार्क कर लो क्योंकि मेरे को इसमें एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब मेरे पास ए एन क्या दिया हुआ है 84। मेरे को ए एन क्या दिया हुआ है 84। ए एन होता किसके बराबर है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 84। ए क्या दिया है मेरे को 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी कैसे निकलेगा 10 वन बाई टू माइनस 7 करके, तो इसको सॉल्व करके आएगा 21 बाई टू माइनस 7। टू टेंजा 20, 20 प्लस 1 21 बाई टू। अब सिंपल एलसीएम लेंगे 14 बाई टू, तो डी मेरे पास इसको सॉल्व करके क्या निकल आया 7 बाई टू इज इक्वल टू 84। 7 प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू 7 बाई टू, यहाँ पे 7 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस। तो इसको सॉल्व करके आपके पास बन जाएगा 77। ठीक है, अब इसको दूसरी साइड लेके जाओगे तो इसका उल्टा हो जाता है, मतलब 2 नीचे यहाँ पे 2 ऊपर हो जाता है, यहाँ पे 7 ऊपर है 7 नीचे हो जाएगा 11। एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या निकल आया 22। मेरे पास निकल आया एन माइनस वन इज इक्वल टू 22। यहाँ पे माइनस वन हो रहा है, दूसरी साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा प्लस, एन की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 23। जो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब एस एन क्या निकल आएगा एन वन मल्टीप्लाई 23 बाय 2। अब 91 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल आएगा 3 27 2 18 3 9 10। तो एस एन मेरे पास क्या निकल आया 2 0 9 3 बाय 2, ये मेरा क्या निकल आया आंसर। स्टूडेंट्स इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आपका घर से होमवर्क है। अब इसका हम सम नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे। सम नंबर थर्ड स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें मेरे को एक एपी दी हुई है। एपी की क्या क्या टर्म्स दिए हैं, ए दिए हैं मेरे को 5, डी मेरे को 3, ए एन मेरे को 50 दिए। ए एन इज इक्वल टू 50 लेंगे, ठीक है, और हमने निकालना क्या है इसमें, एन की वैल्यू निकालनी है और एस एन निकालना है। ठीक है, तो एन निकालने के लिए हम सबसे पहले ए एन को यूज़ करते हैं। ए एन हमें 50 के इक्वल दिए, ए एन का फॉर्मूला खोलेंगे। ए एन किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब वैल्यूज पुट करेंगे, ए मेरे को क्या दिए 5, एन माइनस वन, और डी मेरे को क्या दिए 3 इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 5 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 एन माइनस 3 इज इक्वल टू 50। 3 एन ये 5 में से 3 गए 2, 3 एन इज इक्वल टू 50। ठीक है, 3 एन यहाँ से 50 है तो यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा, 3 एन इज इक्वल टू क्या हो गया 48। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड लेके आओगे तो वो क्या करेगा इसको डिवाइड, जो 3 48 को 16 पे काटते हैं। एन मेरे पास क्या निकल आया स्टूडेंट 16, एन मेरे पास निकल आया 16। अब मैंने क्या निकालना है एस एन, एन मेरे पास 16 निकल आया, अब मैंने निकालना है एस एन, क्योंकि मेरे को सीरीज की लास्ट टर्म दी है तो इसका मतलब मैंने सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने आपको करवाया था, एन बाई टू ए प्लस ए एन। ठीक है, अब एन मेरे पास क्या निकल के आया है 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा एन की जगह 16 बाई टू, ए मेरे को दिए 5 और ए एन मेरे को क्या दिए 50। ठीक है, तो एस 16 ये 8, 16 को 8 पे काटेगा, मल्टीप्लाई 5 प्लस 50 55, और एस 16 आपके पास आ जाएगा 440। एस आपके पास आ जाएगा एस 16 आपके पास आ जाएगा 440। ठीक है, 55 को जस्ट आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे।
थर्ड ही सम का हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें मेरे को क्या दिया है, ए 7 दिए, ए 13 मेरे को 35 दिए। अब इस केस में मैंने क्या निकालना है, डी की वैल्यू और एस 13 की वैल्यू। तो फिर हमें लास्ट टर्म जो दी हुई है उसको यूज करेंगे, ए 13 35। ए 13 आगे किसके बराबर होता है, ए प्लस 12 डी 35, ठीक है। ए मेरे को क्या दिया है, 7 प्लस 12, डी हमने निकालना है 35। 12 डी यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड लेके आओगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। 12 डी 35 में से 7 गए, आपके पास आएगा 28, ठीक है। तो डी 28 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, 28 डिवाइडेड बाय 12, डी आया 28 बाय 12। 4 के टेबल पे ये जाता है 7 पे और 12 जाता है 3 पे, डी आ गया आपके पास 7 बाय 3। डी निकाल लिया, अब हमने क्या निकालना है, एस 13। तो एस 13 निकालने के लिए, क्योंकि मेरे को लास्ट टर्म दी है, तो जो मैंने आपको सेकेंड फॉर्मूला करवाया है वो वाला सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। एन बाय 2 होता है, तो एन की जगह क्या दिए, 13 बाय 2। ए क्या दिए, 7 प्लस लास्ट टर्म मेरे को क्या दिए, 35, ठीक है। एस 13 मल्टीप्लाई 2, तो इसको प्लस करके आ गया 42। 242 को 21 पे काटते हैं, एस 13 हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 21। सिंपल 21 को 13 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व करके एस 13 मेरे पास आंसर क्या निकला, 273 मेरा क्या निकल आया आंसर। स्टूडेंट्स इसी तरह थर्ड सम के थर्ड फोर फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन सेम स्टूडेंट्स इसी मेथड्स को, जो मैंने आपको दो मेथड करवाए हैं इसी मेथड के बेस पे ये सम है, ये आपका घर से होमवर्क है। अगर किसी भी सम में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप ग्रुप में मैसेज करना, उसका सोल्यूशन की आपको वीडियो बना के हम डालेंगे। स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं सम नंबर 4। अब हम करने जा रहे हैं सम नंबर 4, जिसमें कहते हैं 636 का योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने पड़ेंगे। जैसे आपको एक एपी दी है ये वाली, 9, 17, 25, ये ऐसे चल रही है, कहते हैं इसके कितने पद लूँ, ठीक है, एक लूँ, दो लूँ, तीन लूँ, कितने पद लूँ कि जिसका योग मेरे पास क्या है, 636। जब हमें नहीं पता होता तो हम अपनी ओर से क्या मान लेंगे, मान लो कि इस एपी के मैं पहले एन पदों को प्लस करूं तो वो किसके बराबर होगा, 636। क्योंकि सीरीज हमारे पास इनफिनाइट है, मतलब मेरे को लास्ट पद नहीं पता, तो हम इसका पहले वाला फॉर्मूला खोल देंगे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एन बाय 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 636। एन बाय 2 2 ए, अब ए की जगह क्योंकि श्रेणी एपी है तो सीरीज का पहला नंबर ही क्या हो जाएगा मेरे पास, ए एन माइनस 1, एन की वैल्यू निकालनी है, डी कैसे निकलेगा क्योंकि सीरीज एपी है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, 17 माइनस 9 मतलब डी मेरे पास क्या निकल आया, 8, 636। अब क्या करेंगे, एन बाय 2 को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर ब्रैकेट खोल लेंगे, एन बाय 2 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करके आया 18 प्लस एन बाय 2 इंटू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 336। अब 2 18 को 9 पे काटता है, मतलब क्या बनाएगा, 9n। 2 8 को कितने पे काटता है, 4, तो क्या बनाएगा, 4n इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 336। 9n प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n इज इक्वल टू 336। 9n में से 4n माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 5n, 4n स्क्वायर पहले लिख लो, 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 336। 336 को यहाँ पे ले आएंगे, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 336 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है कि ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, तो
तो मैंने एन की वैल्यू निकालनी हो तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो तो एन निकालना हो तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो तो इसमें ए मेरे पास क्या बन रहा है, चार, बी मेरे पास बन रहा है पाँच और सी मेरे पास क्या बन रहा है, माइनस 636। अब क्या करेंगे, एन निकालना है तो सिंपल सिंपल इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, माइनस बी मतलब माइनस पाँच प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब पाँच का स्क्वायर माइनस फोर ए, ए की जगह पाँच और सी, क्योंकि सी आपके पास माइनस में दिया है तो इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे, माइनस 336 डिवाइडेड बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई a, a के आगे आपके पास 4, a की जगह 4। अब क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, n इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 16, 336 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 18 21 38 6 3 6 6 7 11, इसको सॉल्व करके आया 10176 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 4 8। एन इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस, इसको प्लस करेंगे 10176 प्लस 25 11 10 2 10 2018। एन माइनस 5 प्लस माइनस 101 का स्क्वायर, क्योंकि 101 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 10201 के डिवाइडेड बाय 8। हमें पता है 8 का ये फॉर्मूला होता है कि जो अंदर स्क्वायर हो बाहर अंडर रूट हो तो आपस में क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, मतलब फिर क्या बच के आता है, माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 101 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, मतलब n माइनस वाली एक साइड माइनस 5 माइनस 101 डिवाइडेड बाय 8 कॉमा माइनस 5 प्लस 101 डिवाइडेड बाय 8। एन इसको करके आएगा माइनस 106 बाय 8, इसको माइनस करके आएगा आपके पास 96 बाय 8। अब देखो जो भी नेगेटिव टर्म होती है n की, जो माइनस वाली टर्म होती है वो कभी भी नंबर्स ऑफ टर्म्स, क्योंकि हमने क्या निकालने है, कितने पद हैं, पद कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो इसका मतलब इसकी ये वैल्यू हम कैंसिल कर देंगे, n सिर्फ क्या लेके चलेंगे, 96 बाय 8, 8 96 को 12 पे कट करते हैं, n इज इक्वल टू 12, मतलब कि जो आपको एपी दी है उसके प्रथम 12 पद को मैं योग करूं, उसका योग निकालूं तो वो किसके बराबर आएगा, 636, मतलब एस 12 किसके इक्वल आएगा, 636 के बराबर आएगा। अब हम इसका सम नंबर 4 स्टार्ट, सम नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, सम नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, क्या कहते हैं, किसी एपी का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 और योग 400 हैं, पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। एपी में हमें क्या दिया हुआ है, इन एपी एपी के अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है, ए ए हमें दिया 5 अंतिम पद, अंतिम पद को मैं ए एन लिख सकती हूँ, वो दिया 45 और एस एन मेरे को दिया हुआ है 400। मैंने क्या क्या निकालना है, पदों की संख्या मतलब एन, और मैंने क्या निकालना है, सार्व अंतर मतलब डी, ठीक है। अब जो हमें दिया मतलब ये दो चीज़ें दी हैं, इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ए एन मेरे को क्या दिया है, 45, तो ए एन किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45, ठीक है।
सबसे पहले मैं डी भी निकाल लेंगे, एस से ना मैं क्या दिया हुआ है 400, तो क्योंकि मेरे को इसकी लास्ट टर्म दी हुई है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, एन बाई टू ए प्लस ए एन इज इक्वल टू 400, ठीक है। एन बाई टू ये निकालना है, ए ए मेरे को क्या दिया है 5 और ए एन मेरे को क्या दिया हुआ है 45 डिवाइडेड बाई 400। एन बाई टू ये क्या आ जाएगा, इसको प्लस करके 50 इज इक्वल टू 400, तो 250 को 25 पे काटता है, मतलब 25 इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 400। ठीक है, एन 400 डिवाइडेड बाय 25, 5 के टेबल पे ये 5 पे, ये 80 पे, और ये जाएगा आपके पास 16 पे, एन आ गया आपके पास 16, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, डी निकालना है, एन आपके पास 16 निकल आया, ए एन आपको क्या दिया था 45, मतलब ए एन एन की वैल्यू क्या निकला है 16, मतलब ए 16 45 दी है, तो ए 16 किसके आगे इक्वल होता है, ए प्लस 15 डी 45, ए ए आपको क्या दिया है 5 प्लस 15 डी इज इक्वल टू 45, 15 डी 45 माइनस 5, 15 डी इज इक्वल टू क्या आ गया 40, और ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 40 डिवाइडेड बाई 15, 3 के टेबल पे ये सॉरी 5 के टेबल पे 48 पे, और ये 15 जाएगा 3 पे, डी आ गया आपके पास 8/3, यही हमने निकालना था। स्टूडेंट्स इसका 6th और 7th सम सेम 5th सम जैसे, ये आपका घर से होमवर्क है।